हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं राय वसीम अली अग्रेरियन अग्रेरियन नेटवर्क चैनल से अपने काश्तकार दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज 9 जून है और बजट 2023-24 पेश किया गया, और इस बजट के हवाले से कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम पॉइंट्स हम आप लोगों के सामने, अहम मालूमात आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। सबसे जो अच्छा इस पर इकदाम किया गया है, अच्छी पेश रफ्त है, वो ये है कि 50,000 ज़रई ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब जो पहले अब हुकूमत इस पर सब्सिडी देगी काश्तकारों को, उसको सोलर पर कन्वर्ट किया जाएगा। बजट 2023-24 में इस चीज़ को भी रखा गया है कि मुल्क में मियारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए उनकी दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ ख़त्म की जा रही हैं, और साथ इसमें किसानों के लिए बीज की दरामद पर टैक्स भी ख़त्म किया गया है, और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बजट 2023-24 में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, और गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2023-24 बजट के लिए 13 करोड़ रुपए रखे हैं। देहातों में ज़रई इंडस्ट्री लगाने पर पहले 5 साल टैक्स फ्री करार। अगर कोई बंदा देहात में ज़रई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको पहले 5 साल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और सबसे अहम और जो बड़ी खबर है वो ये है कि यूरिया खाद के लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी देने का हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है। ये चंद अहम पॉइंट्स से अहम मालूमात थी जो हमने आप लोगों के साथ अपने चैनल पर शेयर की। हम उम्मीद करते हैं ये मालूमाती वीडियो आप लोगों को ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि एग्रीकल्चर मालूमात हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें।